नमस्कार, नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग खत्म हो गई है। 2 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। बिहार में खूब बयानबाजी हो रही है। जीत का दावा अलग अलग पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। एक ओर तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि इस बार दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, तो वही दूसरी ओर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि दोनों सीटें इस बार जेडीयू के खाते में ही जाएगी। दोनों सीटें जेडीयू ने ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीती थी। लेकिन जब बात बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की हम कर रहे हैं, तब जो नतीजे आए थे उस नतीजे पर सवाल आरजेडी ने खड़े किए थे, और साथ ही आरजेडी के सांसद विपक्ष की तमाम पार्टियों ने किया था और कहा था कि इस बार मतगणना में बड़ी गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब जब विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो गए हैं, नतीजे आने वाले हैं, तब वोटिंग के बाद मतगणना को लेकर आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था और सुझाव दिए गए थे। आरजेडी ने जो आरोप पिछले बार चुनाव में लगाया था, कहा गया था कि बैलेट वोट में भारी गड़बड़ी की गई, और साथ ही आरजेडी यही वजह है कि सरकार बनाने से पीछे रह गई। कई जगहों पर आरजेडी कैंडिडेट को जानबूझकर नीतीश कुमार की ओर से हराया गया, अधिकारियों को दबाव देकर। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सहित तमाम जो लोग मांग कर रहे थे, मतगणना को लेकर अपने सुझाव दे रहे थे, उनकी बात मान ली है। सबसे बड़ी जीत इसमें तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव की ओर से उनकी पार्टी आरजेडी की ओर से आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और कहा था कि बैलेट वोट की गिनती पहले हो और फिर जो ईवीएम में वोट कैद है उसकी गिनती हो। लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी बातें मान ली है। तेजस्वी यादव की बड़ी जीत यहां पर हुई है, चुनाव आयोग ने माना है और साफ तौर पर कहा है कि पहले बैलेट वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार के सियासत से जुड़ी हुई, उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आने वाले हैं। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस उपचुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतरकर बड़ी बड़ी बातें कही, खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ये 2 सीटें हम जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बना लेंगे। लेकिन साथ ही लालू यादव बिहार के चुनावी मैदान में भी ये बातें कह रहे थे कि 2020 चुनाव के मतगणना के वक्त बड़ी गड़बड़ी हुई और बैलेट वोटों की गिनती में कह सकते हैं बड़ा हेरफेर हुआ, और यही वजह है कि आरजेडी को जानबूझकर हरा दिया गया, आरजेडी सरकार बनाने से दूर रह गई। और ये 2 सीटें आरजेडी जीती है तो बिहार में अब सरकार बनाएगी। लेकिन अब जब नतीजे आने वाले हैं, इससे पूर्व आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग को शिकायत किए गए थे, जो सुझाव दिए गए थे, बातें मान ली है आरजेडी की। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि पहले बैलेट वोटों की गिनती होगी, फिर ईवीएम में जो वोटें बंद है, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, उसकी गिनती होगी। तो एक बड़ी जीत है, 2 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है बिहार के इस उपचुनाव के नतीजों पर, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं सरकार बना लेंगे अगर 2 सीटें जीत जाएंगे। जाहिर तौर पे जब बिहार में सरकार बनाने की दूर हो और बहुमत के आंकड़ों से थोड़ी ही दूर आरजेडी सहित महागठबंधन हो, तब कहीं ना कहीं कयास जरूर लगाए जाने चाहिए कि अब कुछ न कुछ लालू यादव बिहार आ गए तो खेला करेंगे। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ी मांग पूरी कर दी है तेजस्वी यादव की। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।